बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ ज़ीरा राइस की रेसिपी, आप लोगों की बेहद रिक्वेस्ट पे। और बहुत ही इजी है इसको बनाना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, और इसका कॉम्बिनेशन जो है बहुत सारी कॉम्बो मील्स के साथ होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप चावल लिए हैं जो कि बासमती राइस हैं, और मेजरिंग कप से नाप के मैं डाल रही हूँ। आप जो भी कप इस्तेमाल करते हैं उससे आप ले लीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे पानी, और 3 से 4 पानी के साथ हम इसको वॉश कर लेंगे जब तक कि इसमें से थोड़ा सा स्टार्च नहीं निकल जाता। तो साफ पानी के साथ इसको भिगो के रख देंगे तकरीबन हम 30 मिनट के लिए। तो ये देखें, इसको हम पानी को फेंक देते हैं, मज़ीद इसको 3 से 4 पानी के साथ वॉश करेंगे। तो तकरीबन 4 पानी के साथ मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब इसको हम 30 मिनट्स के लिए सोक कर लेंगे। तो देखें, तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं, चावल हमारे भीग चुके हैं, और ये देखें भीगने के बाद थोड़े थोड़े से ये बिल्कुल क्लियर से हो जाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने एक खुली वॉक ले ली है जिसमें हम डालेंगे तकरीबन 1/3 कप तेल। तेल कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको घी में भी बना सकते हैं। घी में ये बहुत खुशबूदार चावल बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल किया है 1/3 कप, और इसको हम गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ साबुत खड़े गर्म मसाले। तो साबुत ज़ीरा लिया है 1 खाने का चम्मच, 1 अदद बड़ी इलायची ली है, 2 बे लीव्स लिए हैं मैंने, और 1 मैंने लिया है बादियान का फूल। इसके अलावा 2 सूखी लाल मिर्च और 2 अदद मैंने लिए हैं दालचीनी के टुकड़े। तो ये डाल देंगे हम इसमें। तो ये मैंने मसाले डाल दिए हैं। तेल को मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था, बस इसको हमने लो फ्लेम पे तकरीबन 30 सेकेंड के लिए कुक करना है ताकि ये थोड़ा सा गोल्डन कलर में आ जाए मसाला हमारा। तो ये देखें, ज़ीरा हमारा थोड़ा सा स्लाइटली गोल्डन से कलर में आ गया है, लाइट गोल्डन सा ब्राउन सा कलर हो गया है। तो इस स्टेज पर हम चावलों को डाल देंगे जिसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। तो चावलों को डाल के हम इन तमाम मसालों के साथ इसको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर ये चावल जो है वो टूटने नहीं पाए, बस हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे। तो चावलों को मैंने 1 से 2 मिनट मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो जिस कप से मैंने राइस लिए थे उसी कप से मैंने पानी लिया है। तो पानी मैंने डबल लिया था, 2 कप राइस लिए थे, मैंने यहाँ पे 4 कप पानी ऐड किया है। मिक्स करेंगे इसको हल्के हाथों से, और इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसमें नमक। तो नमक हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। इसको मिक्स करेंगे, और इसको अब हम कवर करके पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें पानी थोड़ा सा रिड्यूस नहीं हो जाता। अब चावलों को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं इसे। तो ये देखें, काफी लार्ज बबल्स इसमें दिख रहे हैं, मतलब इसमें काफी पानी है। अभी चावलों को चेक कर लेते हैं। तो इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे ये जो मसाले हैं इसका बस हमें सिर्फ एक अरोमा चाहिए था, फ्लेवर चाहिए था इसमें। तो बस इस स्टेज पे ये सारे मसाले हम निकाल लेंगे। तो ये सारे खड़े मसाले मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको हम लो फ्लेम पे बिल्कुल कुक करेंगे जैसे कि दम वाली आंच होती है। 10 से 12 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे, और इसमें ये पानी भी ड्राई हो जाएगा और ये फुली डन हो जाएंगे राइस। अब तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं, तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारे राइस बनके तैयार हुए हैं। इस स्टेज पे हम इस तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये चावल हमारे बिल्कुल टूटे नहीं। कुछ अहम टिप्स होते हैं बिल्कुल परफेक्ट खिले खिले और गले हुए राइस बनाने के लिए। चावलों को मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे, और इसको हम हल्का सा मिक्स करने के बाद फिर दोबारा से कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। चावलों को मैंने इसलिए 5 मिनट के लिए ढका था, अगर चावलों में थोड़ी सी भी कसर होती है तो ये जो स्टीम इसमें काफ़ी होती है तो उसमें ही ये बिल्कुल फुली डन हो जाते हैं। तो चावलों को हम निकाल लेते हैं। बहुत ही एरोमेटिक ये बनते हैं, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इन चावलों को बहुत तरह के सालनों के साथ, भुने हुए कीमे के साथ, आलू गोश के साथ, आलू की कतली वगैरह बनाते हैं उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, और बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। तो आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो उसको कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और कर दीजिएगा एक कॉमेंट। और हम राइस को प्रिपेयर करेंगे। तो वोक में हम डालेंगे तकरीबन 1/4 कप ऑयल। ऑयल को हम स्लाइटली गर्म कर लेंगे।
तेल गरम हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे कुछ ये साबुत खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने एक ड्राई लेमन लिया है और 2 अदद हरी इलायची है, 1 बादियान का फूल है, 1 थोड़ी सी मैंने जावित्री ली है और 1 बे लीव्स है और आधा सिनेमम स्टिक है, मतलब दालचीनी का टुकड़ा। अब इसमें हम शामिल करेंगे ये कुटा हुआ मसाला, जिसमें थोड़ी सी प्याज थी, हरी मिर्चें थी, कुटा हुआ लहसुन था और अदरक था। इसको मैंने डाल दिया है तकरीबन 3 खाने के चम्मच और इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से भून लेंगे इस मसालों के साथ। अभी मसाला स्लाइटली गोल्डन होने लगा है, इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को मैंने थोड़ा सा हल्का कर दिया है और इसमें अब हम डाल देंगे 2 अदद चिकन क्यूब, जो कि आपको ईजिली मिल जाते हैं मार्केट में। तो 1 पैकेट में 2 चिकन क्यूब होते हैं, तो 2 चिकन क्यूब का मैं इस्तेमाल करी हूँ। और ये डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर पानी, तो तकरीबन 1/2 लीटर पानी डाल देंगे इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। अब तकरीबन 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं इसे, तो ये बिल्कुल देखें यखनी सी बन चुकी है। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे सोखे हुए राइस, जो कि मैंने 3 कप लिए थे और वॉश करने के बाद इसको मैंने 30 मिनट के लिए भिगो दिया था। तो ये चावल मैंने डाल दिए हैं, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है इसे हमने हल्का सा इस तरह से, और इसमें अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया है। नमक अभी हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच, क्योंकि हमने इसमें चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल किया था, तो थोड़ा हाथ रोक के डालिएगा। तो इस तरह से मज़ीद हमने इसको मिक्स कर लिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा और पानी। तो इस रेसिपी के लिए मैंने 3 कप चावल लिए थे, जिस कप से मैंने चावल लिए थे उस कप से ही मैंने डबल पानी ऐड किया है इसमें। पानी डालने के बाद इसको अब हम कर देते हैं कवर और 7 से 8 मिनट के लिए इसको मैक्सिमम फ्लेम पर कुक करेंगे, जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता। अब तकरीबन 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, तो देखें इसमें पानी जो है वो बहुत ही कम है, नीचे हल्का हल्का सा मॉइस्ट इसमें है। तो हल्के हाथों से चावलों को हम मिक्स कर रहे हैं, बीच में से बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना वरना चावल टूट जाते हैं। और अब हम इस स्टेज पे शामिल करेंगे सैफ्रन का पानी, जो कि 1 खाने का चम्मच मैंने नीम गर्म पानी लिया था, जिसमें मैंने थोड़ी सी सैफ्रन भिगो दी थी। और ये जो ड्राई लेमन है इसको हम निकाल देंगे, इसमें जो भी खड़े गर्म मसाले हैं इसको हम निकाल देंगे, बस हमें सिर्फ इसका फ्लेवर चाहिए था। तो ये खड़ा गर्म मसाला निकालने के बाद चूल्हे की आँच को हम बिल्कुल हल्का कर देंगे और 6 से 7 मिनट के लिए इसको दम वाली आँच पर कुक करेंगे। अब तकरीबन 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, इस स्टेज पे हम इसमें लगाएंगे कोयले का धुआं। तो यहाँ पे मैंने कटोरी रख दी है, उसमें थोड़ा सा कोयला रख दिया था सुलगाने के बाद। इसको हम कवर कर देते हैं और 1 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है, चेक कर लेते हैं राइस को और इस कटोरी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। और ये बहुत ही फ्लेवरफुल और स्मोकी राइस हमारे बनके तैयार हो जाते हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथों से इसको मिक्स करते हुए हम प्लेटर में निकाल देंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्विक और सिंपल सी रेसिपी, जो कि है गार्लिक बटर राइस की। इसको बहुत सारी डिशेज़ के साथ सर्व किया जाता है, जो कि एक कॉम्बो मील में ये कॉम्बिनेशन रहता है, लाइक स्टेक्स हो गए, इंडो चाइनीज कुजिन्स वगैरह में ये बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं राइस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने राइस लिए हैं, जो कि हैं 2 कप। इसको मैंने 30 मिनट पहले भिगो दिया था और अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ उबलते हुए पानी में हम शामिल करेंगे सबसे पहले तो नमक। तो नमक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। आप हसब ज़रूरत भी नमक का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अब ये पानी जो है वो उबल रहा है, इसमें हम शामिल कर देंगे भीगे हुए चावलों को और इसको हमने इतना बॉयल करना है कि ये फुली डन हो जाए। तो टाइम के हिसाब से 6 से 7 मिनट के लिए आपने इसको हाई फ्लेम पर बॉयल करना है। अब तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं इसे। तो ये देखें राइस हमारे बिल्कुल परफेक्ट से रेडी हो गए हैं और इस स्टेज पे हम इसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे और पानी को हम अलग कर देंगे। तो अगर आपके पास 1 दिन पहले उबले हुए राइस हों तो इससे ये बिल्कुल परफेक्ट राइस बनते हैं। तो चावलों को हम ड्रेन आउट कर लेते हैं। तो चावलों को मैंने ड्रेन आउट कर लिया है और सेम मैंने इसको पॉट में निकाल लिया है और अब हम इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर। जब तक ये पॉयल राइस हमारे ठंडे होते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने एक खुली वॉक ले ली है, जिसमें मैंने 50 ग्राम मक्खन डाल दिया है, जो कि अनसॉल्टेड है। और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन 3 खाने के चम्मच तेल और दोनों चीज़ों को गर्म करने के बाद इसमें 1 कटी हुई हरी मिर्च भी शामिल कर दी है मैंने।
इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ ये लहसुन जो कि मैंने डाला है 2 खाने के चम्मच भर के। अब हम इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम पे फ्राई करेंगे, इसको हमने जलाना नहीं है बिल्कुल भी, बर्न नहीं करना। ये देख सकते हैं हल्की आंच पे फ्राई करने से इस कलर में ये आ चुका है। तो ये आधा हम निकाल लेते हैं, इसको छन्नी की मदद से निकाल के हम छानते हुए निकालेंगे और आधे का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये हाफ फ्राई किया हुआ लहसुन मैंने निकाल लिया है, इसको साइड में कर देते हैं। अब आधा लहसुन निकालने के बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं चावलों को, जिसको रूम टेम्परेचर में मैंने ठंडा कर लिया है। अगर बचे हुए बासी चावल होते हैं तो उससे ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये सारे चावल मैंने डाल दिए हैं और फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पे गार्लिक और बटर के साथ इस राइस को हमने मिक्स करते हुए फ्राई करना है, स्टर फ्राई करेंगे हम। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे इस स्टेज पे चिकन स्टॉक। तो मैंने 1 कप पानी लिया था जिसमें 1 चिकन क्यूब डाल के मैंने इसको डिसॉल्व कर लिया था और ये मैंने डाल दिया है। अब थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, 1/2 चाय का चम्मच। पिसी हुई काली मिर्च जाएगी इसके अंदर तकरीबन 1 चाय का चम्मच। और यहाँ पे हम डालेंगे इसमें हरी प्याज, जिसका मैंने ग्रीन वाला पार्ट लिया है, ये मैंने तकरीबन 1/2 कप के करीब डाल दी है। अब इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे सोया सॉस, जो कि मैं डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल करी हूँ, 1/2 चाय का चम्मच। नॉर्मल हो तो 1 चाय का चम्मच डालिएगा। सिरका जाएगा 1 चाय का चम्मच। और अब हम इसको हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करेंगे। तो देखें फ्लेम हमारी हाई है और हमने जो स्टॉक डाला है इससे ये चावल लगेंगे नहीं, जलेंगे नहीं, और इसमें ये होगा कि स्टीम अच्छी से बन जाएगी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद देखें चावल हमारे फुली डन हो चुके हैं और इस स्टेज पे बची हुई थोड़ी सी हरी प्याज डाल देंगे। तो ये मैंने 1/2 कप ली थी हरी प्याज कटी हुई, जिसमें से मैंने थोड़ी सी उठा ली थी आखिर के लिए। और अब हम इस स्टेज पे शामिल कर देंगे 1/2 बचा हुआ फ्राई किया हुआ ये गार्लिक, तो ये मैंने डाल दिया है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी गार्लिक बटर राइस की, जिसको आप सर्व कर सकते हैं स्टिक्स के साथ या फिर बहुत सारे ग्रिल कबाब वगैरह के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और कर दीजिएगा एक कॉमेंट, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब लीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पेरी पेरी राइस बना लेंगे हम। तो ये प्री हीटेड है हमारा पॉट, इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा सा हमने गरम करना है और इसमें अब जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच। तो ये फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ मैं। जब भी आप राइस बनाएं हमेशा फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे राइस बनते हैं। इसको हम सौटे करेंगे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखें थोड़ी सी इसमें से खुशबू आने लगी है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें पेरी पेरी सॉस, जो कि हमने तैयार की थी। तो 2 खाने के चम्मच मैं इसमें से डाल दूँगी नैंडो सॉस के। तो ये सॉस चली गई है इसमें। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 चिकन क्यूब। तो 1 पैकेट में 2 आते हैं तो मैं 1/2 का इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्दी पाउडर है 1/2 चाय का चम्मच, इसके अलावा येलो फूड कलर है 1/4 चम्मच, और नमक डालेंगे हसबे ज़रूरत। तो ये तमाम चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और यहाँ पे 1 कप मैंने राइस लिए थे, जिसको मैंने 1/2 घंटे पहले सोक कर लिया था वॉश करने के बाद। तो 1 कप राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जले नहीं, और 1 से 2 बॉयल आने देंगे अब इसमें हम। तो ये देखें 1 से 2 बॉयल आने लगे हैं। तो इसमें अब हम शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, जो क्या है 1 खाने का चम्मच तकरीबन, और इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे हम। और अब जाएंगे इसमें सोख हुए हुए राइस, तो ये डाल देते हैं हम इसमें। और जितने हमने राइस लिए हैं उसका डबल हम पानी डालेंगे। तो जिस कप से मैंने राइस लिए थे उसमें से मैंने 2 कप पानी को इसमें डाल दिया था। तो ये 2 कप मैंने पानी डाल दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसे कवर करके पकाएंगे जब तक ये चावल हमारे हाफ डन नहीं हो जाते। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और चावलों की है ये पोजीशन। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। तो ये देखें इसमें काफ़ी पानी अभी मौजूद है, इसको हम थोड़ा सा कवर करके फिर दोबारा से पकाएंगे। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखें राइस में अभी काफ़ी पानी है, बबल्स दिख रहे हैं। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको 8 से 10 मिनट का दम लगाएंगे हम। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं, राइस हमारे बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गए हैं। तो बेहतरीन से ये बन गए हैं, दाना दाना एकदम बिल्कुल है लंबा। तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाइए, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगे राइस।